तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और मौज ले रहे होंगे ना। आज का मेरा वीडियो बनाने का कुछ प्लान था नहीं, बट मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए वीडियो कुछ डाली नहीं है इतनी। तो मुझे लगा कि कुछ मैंने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लिए थे इस जगह के, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो बना लेनी चाहिए। इसमें मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल, दिस इज मोहित, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ क्यों आया, तो मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में बताया कि यहाँ पे हम लोग जो मोस्ट ऑफ द जो इंडियंस हैं जो यहाँ पे लास पिनास में रहते हैं, वो लोग अपनी मनी वगैरह विड्रॉ करने के लिए इस बैंक से आते हैं। कौन सा बैंक वो आपने देख लिया होगा फुटेज में, तो HSBC जो कि इंटरनेशनल बैंक है, बड़ा बैंक है। तो ये लगभग हर एक कंट्री में होगा, इंडिया में भी है और सब कंट्रीज में भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा कम कटता है, मतलब पैसा थोड़ा कम कटता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा पैसा कम करते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर जब भी टाइम मिलता है तो यहाँ पे पैसे वगैरह विड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। कभी मेरा खुद का होता है, कभी किसी दोस्त का, तो ऐसे ही चलता रहता है ना, जब भी फ्री टाइम मिलता है। और यहाँ पे ये जगह है ना, ये बड़ी खूबसूरत है, इसलिए ही हम लोग आ जाते हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी किसी के साथ। बस इसीलिए ही मैं आ गया था। तो अभी हम लोगों ने पैसा वगैरह विड्रॉ कर लिया है यहाँ से, अभी चलते हैं, क्योंकि अब पैसा विड्रॉ किया है तो कुछ तो बनता है ना भाई। तो चलो अभी काटते हैं मुर्गा, किसी का है ना, मुर्गा काटना मतलब पिज्जा खाते हैं, ठीक है, गलत मत लेना। तो चलिए चलते हैं अभी और देखते हैं आपको कौन सी जगह पे चल रहे हैं, और फिर वहां से पिज्जा वगैरह खाते हैं, फिर निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोगों का इतने दूर से आना और सिर्फ इस बैंक के लिए आना, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये बैंक इंटरनेशनल बैंक है और ये चार्जेज बहुत कम चार्ज करता है, इसीलिए सब बच्चे यहीं पे लगभग विड्रॉ करने के लिए आते हैं। ये देख रहे हो लाइनें लगी हुई हैं सब जगह, जहाँ भी रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह खतरनाक लाइन लगी। तो गाइस, जब भी हम लोग इंडियंस कोई भी या फिर और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग वगैरह है और बहुत सारे अलग अलग किस्म के बिजनेस वगैरह के भी ऑफिसेज हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की जो कमी है इस जगह पे, वो इस चीज़ की है कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है, ठीक है। और ये बात बहुत बार खटकती है यार, जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर कोई इंडियन ब्रांच खुल जाए तो चलने की गारंटी तो होगी भाई, सब चल तो जाए, क्योंकि यहाँ से इंडियंस आते हैं, पैसे वैसे निकलवाते तो यहीं से पैसे निकलवाएंगे, यहीं से उड़ाएंगे सारे दोस्त वोस्त, पार्टी वार्टी करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो दैट माइट बिकम बेटर फॉर एवरीबॉडी, लेकिन कोई नहीं, यहीं पास में ही है ना, थोड़ी सी दूर चल के येलो कैब आप समझ रहे होंगे। तो येलो कैब इंडिया में तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ है और दूसरी कंट्रीज़ में है। तो येलो कैब है, येलो कैब का पिज्ज़ा वगैरह बड़ा मस्त आता है, और आजकल तो एक आइसक्रीम और है उनकी नई, कुछ चलाई है उन्होंने, वो भी बड़ी मस्त आती है ना। तो चलते हैं अभी येलो कैब और खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, कैसा क्या लगा, चलो लेट्स गो। और अंदर जाने से पहले, जैसे कि हर जगह हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हमें
जो वहाँ पे एक QR कोड लगा रहता है उसको स्कैन करके एक फॉर्म भरना होता है जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होती है कि अगर कोई कोविड वगैरह कभी कोई आसपास कोई बंदा पाया जाए तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी जाए। ओके, सो ये सब कंप्लीट करने के बाद हम चले गए अंदर। अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक डील चलती है जिसमें कि 500 पैसे उसमें दो पिज़्ज़ा आ जाते हैं, तो वही क्या है। और आइसक्रीम जो है स्पेशल है अपने लिए, वो भी ऑर्डर कर दिए। तो अभी देखते हैं, खाते हैं, फिर मिलते हैं आप। ओके, बाय। और वापस आते समय रास्ते में मुझे ये सुंदर सी जगह दिखाई दी जो मैंने पहले भी बहुत बार नोटिस की है लेकिन कभी इसको कैप्चर नहीं कर पाया कैमरे में, तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों को ये भी दिखा दिया जाए। तो चलिए देखिए। सो गाइस, अभी लगभग रात के 2 बज गए और मैं अभी जब हम वहाँ से वापस आए उसके बाद आके मैं मेरी थोड़ी हालत ख़राब थी। मुझे लग रहा था शायद मुझे सोने की ज़रूरत है क्योंकि दिन में 2 एग्ज़ाम थे और इसलिए रात को भी ज़्यादा कुछ सो नहीं पाए, तो मुझे लगा कि अब सो जाना चाहिए। तो फिर वहाँ से आके मैं डायरेक्ट सो गया, उसके बाद अभी उठा और अभी एडिटिंग वगैरह करने बैठा तो पता लगा कि एंड वाला पार्ट ही नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कुछ रखते हैं और बस, और कुछ है नहीं कहने को। आप लोगों को जो हो सकता था पॉसिबल उतना मैंने कोशिश की, वीडियो वगैरह एडिट वगैरह की दिखाई आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और कुछ ना कुछ जरूर। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा आपको अच्छा लगा नहीं लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, कैसा भी लगा हो आप कमेंट ज़रूर करना। ओके, एंड अगर हो सके पॉसिबल, ज़रूरी नहीं, अगर पॉसिबल हो सके तो शेयर कर देना and subscribe to our channel, okay, if you are new on this channel. So that's it, thank you so much for watching this video and bye bye, take care, have a great life ahead, bye.